It's where the people came to play. Don't let them transform you. Come and see what you've been missing. So, bhai, matlab 100 व्लॉग हमने पूरे कर लिए, व्लॉग वीडियो जो का हो 100 दिन हमने चैलेंज लिया था करेंगे तो करेंगे। उसके बाद मैं रेस्ट इसलिए ले रहा हूँ, अभी मैं पूरा ठीक नहीं हूँ तो मेरे को मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का कसम से, बट 100 मेरी मजबूरी थी कि 100 बनानी है तो बनानी है। उसके बाद ये पार्सल आया, मैं सोचा खोल के दिखा दूँगा, कॉन्टेंट मिल जाएगा हमें। बच भाई ये खुलेगा कैसे, ऐसे खुलेगा? वाट दिस इज वन पोस्टर, बट मुझे इसकी अच्छी बात एक लगी है, शायद इसमें टेप आई है। दिस इज थाला MSD। तो दो पोस्टर मैंने इसलिए मंगाए थे कि मुझे अपनी वॉल पे लगाने हैं पीछे। और उसके बाद मतलब 100 व्लॉग करने के बाद इतना सुकून मिला ना कि मैंने भाई अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। क्योंकि भाई मेरे को 94-95 डाली, तब से तो मेरी हालत ऐसी थी नहीं कि मैं कैमरे के साथ आ भी जाऊँ। उसके बाद आज प्रॉमिस करते हैं तुमसे, आज आएगा मोटो व्लॉग। अभी जब जिम जाएंगे उसके बाद आएंगे घर तो मिलेगा तुम्हें मोटो व्लॉग आज। Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? Hey, chalo bhaiya. Maro. Hey, yaar, dumbbell gira diya tumne. Dumbbell kahan hai? Bora. Dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. ओ भाई, मतलब जैसा तुम्हारे भाई ने प्रॉमिस करा था मोटो व्लॉग, तो अब हमने सारे प्रिपरेशन कर लिए, तो अब तुम्हें दिखाते हैं मोटो व्लॉग। तो भाई ये हमारा मोहल्ला, इससे बाहर जा रहे हैं। ओ भाई भाई भाई, इसके सींग देखो भाई कैसे हो रहे हैं। नो बाबा। तो भाई बच गए हैं, अभी पहले जरा अपने मोहल्ले से बाहर निकल जाएं, उसके बाद तुमसे बातचीत करते हैं। बातचीत ज़रूरी है भाई, तो अबन मोहल्ले से बाहर निकल जाएं पहले। तो भाई हमारा बंद नहीं होगा, तो हम लोग जाएंगे ज़रा डिफेंस की तरफ। तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें डिफेंस की आलीशान कोठियाँ देखनी है तो तुम डिफेंस आ सकते हो ऊपर से। हाँ, एक बात और, ये अगर किसी ने बाइक देख के जज करा ना मुझे, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट भेज दूँगा। देखो, बाइक देख के जज वज नहीं करना, स्प्लेंडर प्लस है। और देखो ऐसा है भाई, बाइक से ज़्यादा मैटर करती है तुम हम इस बाइक में कितने लोग बिठा दो। तुम हम इस बाइक में चार लोग भी बैठे तो यही तो प्यार बनता है। जितने तुम्हारे दोस्त बाइक में बैठेंगे वो प्यार है भाई। हमें नहीं चाहिए KTM, हमें नहीं चाहिए बुलेट, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि दो जने बैठाएंगे, हम बिठाते हैं पूरे चार जने।
रिपलिंग नहीं करते हम, रिपलिंग का हमें शौक नहीं है, मेरा चार बंदे बिठाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्यूशन के जितने भी बंक करते थे, तो पहले हम जितने भी ट्यूशन के बंक करते थे हम इधर ही आते थे। एक राउंड हो जाए भाई, तो जितना भी है ना ये एरिया, मतलब यहाँ पर एक घर नहीं था पहले, यहाँ पर आम के जितने भी बाग थे वहाँ पे हम जाते थे भाई सारे अमियाँ तोड़ने, बहुत अमियाँ तोड़ी हैं बचपन में। पर जितना भी है ना ये एरिया, धीरे धीरे इतने घर बन गए हैं भाई, हम पहले यहाँ भी खेलते थे, साइड में देख सकते हो ये सारे घर बन चुके हैं। पहले हमारा ग्राउंड हुआ करता था ग्राउंड, तो तब मैं शायद थर्ड क्लास में था, थर्ड और फोर्थ में था मैं जब तक यहाँ कुछ नहीं बना था, फिफ्थ सिक्स से बनने लग गया था, बट क्या कर सकते हैं। और सामने जो आप रोड देख रहे हैं वो जा रही है खेतों में, खीरे के खेत, खीरे मूली। तो हम घर से क्या करते थे, हम नमक लेके जाते थे, घर से नमक लेके जाते थे फिर खेलते। मैं दिखाता हूँ आपको, टेंशन मत करो, आपको सब दिखाया जाएगा। ओ भाई यहाँ दुकानें वकानें खुल गई, एक टाइम पे यहाँ सिर्फ खाली रहता था, यहाँ पे बच्चे खेलने रनिंग वनिंग करने, तो यहाँ पे बच्चे खेलने रनिंग वनिंग करने आते थे, और कुछ नहीं। ये देखो बल्ला लेके अब भी जा रहे हैं फिलहाल कुछ लोग, बस कोई बात नहीं। और हाँ, जो सोचता होगा ना कि कोलकाता में ही है भाई ईडन गार्डन, तो थोड़ा शर्म कर लो, ये है असली ईडन गार्डन। यहाँ पर हम बहुत क्रिकेट बजाया भाई हमने, यहाँ पर इतना खेले हम क्रिकेट ईडन गार्डन। तो यहाँ पर एक भूत बंगला भी था, मैं दिखाता हूँ तुम्हें उस भूत बंगले की क्या हालत है। ये वाली रोड चल रही है, ये तो थोड़ी ऑफ रोड हो गई, मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसी रोड है भाई। देखो रोटा रोड, नाम रोटा रोड है पर रोडें ऐसी हैं, तो ऐसी अपने कंकड़खेड़ा में कुछ कुछ जगह वहाँ रोड नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे जा रहे हैं वहाँ छोटे छोटे खेल रहे हैं, तो पहले ये रोड थी नहीं यहाँ पर, ऐसी वो मिट्टी ऐसी थी, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पर काफ़ी खेलने चोरी करने भी आते थे, खीरे मूली बथेरी चोरी करी हमने, पर अब यहाँ सब बन ही गया, क्या कर सकते हैं, यहाँ तो घर भी बनने शुरू हो गए, पहले यहाँ एक घर नहीं था। रे 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 रे, चाचा बिल्कुल पास से ले गए हमारे भाई, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया भाई यहाँ पे। तो घर ही भाई ये देखो भाई, घर देख रहे हो तुम, इतने बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, हम लोगों की इज्जत ही नीचे। अरे जो भूत बंगला, हाँ मतलब जिसमें जाने से हम सबकी फटती थी ना, वहाँ का रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई। एक टाइम था वहाँ पे भाई हम जाते थे, मतलब पानी पीने जाते थे पर चिल्ला के ऐसे वापस आते थे डर के मारे, तो वो भी दिन थे भाई। हम मतलब सुबह 6 बजे खेलने आ जाना, शाम को जाना, बट वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते। लॉट्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरी है। देखिए आप लोग, मज़ा आ रहा है जगह प्रो में मोटो ब्लॉगिंग करने के। अगर और हाँ, अगर किसी ने जज करा ना बाइक को देख के, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, किसी ने जज करा बाइक को देख के, तो कोई बात नहीं, कर रहे हो कर लो, चलाएंगे हम तब भी स्प्लेंडर ही। देखो ऐसा है, अपने को शौक है बट थोड़ा अपना बजट देखना पड़ता है, खर्चा देखना पड़ता है, घर बार देखना पड़ता है, तो समझ रहे हो ना, तो वही वाला सीन है। तो बच्चे ट्यूशन जाने शुरू हो गए भाई, अभी स्कूल भी खुल जाएंगे कुछ दिनों बाद। और ये तो पानी के छींटे आए ना बड़े प्यारे से, बड़ा मज़ा आता है, हल्की सी बूंद लगती है पानी की, ये ऐसे ट्यूशन जाते थे हम एक टाइम पे। और ऊपर से ऐसा है ना, देखो मैंने 100 व्लॉग डाले, उसके बाद मेरा व्लॉग पता क्यों नहीं आ रहा था, अब मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब जब मैंने डाला था 94 व्लॉग, तो तब से मैं डाउन फील डाउन कर रहा था, बट मैंने तुम्हें कहा है ना, कसम खा रखी थी, अली पल्ली दूध की धार कसम गुजरी पल्ली पार, मतलब हमने कसम खा रखी थी कि भाई चाहे 94 के बाद मैं MH से व्लॉग बनाऊँ, चाहे हॉस्पिटल से व्लॉग बनाऊँ, बट व्लॉग विल बी अपलोडेड। तो हमने 100 कर लिए हैं पूरे, उसके बाद कल और परसों व्लॉग इसलिए नहीं आया, मैं तब फुल रेस्ट, मतलब पूरे दिन बेड पे रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई देखो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ये व्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा अपने को, तो इट्स नेसेसरी। तो भाई लौंडे यहाँ पर रनिंग करते हैं, अच्छा
अरे भैया जाओ जाओ जाओ, ये इंडिया की खासियत है भाई, पहले इंडिकेटर देखे खुद नहीं जा रहे। हाँ जो ये वाला कर्व है ना जहाँ पे मैंने अभी बाइक मोड़ी, भाई साहब एक काशीर में पैदल पैदल आ रहे थे, एक लड़का आ रहा 80-90 पे, उसने जैसी मोड़ी वो हमारे घुटनों पे पहुँच गया था, इतनी दूर घिसड़ के गिरा। मैंने सोचा पैर छूने आ रहा है, बट बाद में पता चला नहीं भाई, लौंडे को चोट भी लगी है। तो आज के लिए यहाँ पर मेरी साइकिल चोरी हुई थी इसी ढाबे पे, तो ये जो पीछे ढाबा सा गया मतलब ठेला था, यहाँ पे मेरी साइकिल चोरी हुई थी। अब तुम्हें सारी जगह दिखा दूँगा कहाँ कहाँ चोरी हुई थी। अपन घर की तरफ लौट रहे ले भाई, देखो इस गोप्रो के बाद ना पता भी नहीं चल रहा है लोगों को मैंने हेलमेट पे गोप्रो लगा रखा है, नहीं तो लोग ऐसे देखते हैं घूर के। पर अपन लोग 1500 सब्सक्राइबर के करीब है, हमारा नया लक्ष्य है 1500, जल्दी से जल्दी कर दो भाई, नहीं तो हम ब्लॉग डालना बंद कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, हो जाएंगे जब होना होगा, बट इट्स बेटर यहाँ पे अब घर बन रहा है, एक घर और बन रहा है, तो इसके बाद हम ना मतलब 4-5 छतों में जा सकते हैं, और ये अपना घर है, सस्ता सुंदर टिकाव। तो भाई मतलब आज पता चला है मुझे दर्द मोटो ब्लॉगिंग का, मतलब पहली बार गया वॉइस ही नहीं आई, नो वॉइस, दूसरी बार गया वॉइस नहीं आई, तीसरी बार गया तो तुम्हारे भाई ने लीनियर पे शूट कर दिया, तो जो जो मैं दिखा रहा था वो आया नहीं है, बस बन गया है। तो आज ऐसे झेल लो तुम, आज थोड़ा जज कर लीजिए, अगले कल से थोड़ा अच्छा बनाऊँगा, सॉरी माफ़ी है, बाकी पीस आउट।